अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी फाइका सनाई। होप यू ऑल आर फाइन, सब ठीक ठाक होंगे। आजादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जो पाकिस्तानी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उसके अलावा जो इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं, जो अदर कंट्रीज को देख रहे हैं, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में मेरी तरफ से। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको ये वाला मेकअप लुक अचीव करके दिखाऊंगी, ग्रीन और वाइट, जो कि हमारे फ्लैग में है। और मैंने सोचा मैं इतने सारे मेकअप लुक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिएट करती हूँ, तो आज मैं स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये लुक भी क्रिएट करूं। ऑब्वियसली मेकअप लुक ऐसा नहीं है कि आप कहीं पार्टी में शादी में करके जाएं, ये ग्रीन लिपस्टिक भी आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट ये मैंने ऐसा ही लुक किया है कि ये मेरे पाकिस्तानी जो हमारा फ्लैग है उसको रिप्रेजेंट करे, और इसलिए मैंने ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन किया है। आप अगर किसी रेड पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, तो आप इसी आई मेकअप के साथ डिफरेंट न्यूड या कोई कलरफुल लिपस्टिक भी कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो करते हैं स्टार्ट। ट्यूटोरियल देखिए मैंने किस तरह से मेकअप लुक किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जहाँ पे मैं इसकी पिक्चर्स करूंगी अपलोड, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा, मैंने अपनी आईब्रोज ऑलरेडी कर ली थी। सबसे पहले मैं अपना फेस प्राइम करूँगी, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एल्फ का प्राइमर, जो कि मैंने अभी न्यू बाय किया था। और ये बहुत अच्छा प्राइमर, अगर आपके ऑयली स्किन है या पोर्स हैं तो आप इसको यूज़ करें, और इवन इसका ड्राई स्किन के लिए भी अलग प्राइमर आता है। इसको आपको फिंगर्स से डायरेक्ट नहीं निकालना, वरना आपके हाथों पर या फिंगर्स पर जो भी बैक्टीरियाज होंगे पूरे जार के अंदर चले जाएंगे। तो कोई स्पून वगैरह यूज़ करें, उससे उस प्राइमर को या मॉइस्चराइज़र को या क्रीम को निकालें। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने पोर्स पे ताकि वो मिनिमाइज़ हो जाए, इतने मेरा प्राइमर सेट हो। मैं अपना आई मेकअप करूँगी, और मैंने अपने कॉर्नर्स पे टेप लगा लिया ताकि अच्छे से शार्प लुक आए और फॉल आउट ना हो। और ये डर्माकोल का मेकअप कवर फाउंडेशन है जिसको मैं एज अ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड में है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जिन कलर्स को मैं आज अप्लाई करूँगी ग्रीन, तो मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से पॉपअप हो, तो इसलिए मैं लाइटेस्ट कलर का ये फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आप आई बेस्ड कंसीलर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसको मैं अच्छे से डैप कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ताकि वो अच्छे से मेरी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, सेट हो जाए, क्रीजिंग ना हो। उसके बाद आपने करना यह है कि मैं आज तीन डिफरेंट पैलेट्स यूज़ करूँगी। इसमें सबसे पहले मैं ये पैरेट ग्रीन शेड लूँगी और इसको अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी, लाइक मैं एक सेमी सर्कल बना लूँगी। मैं इसको ब्लेंड नहीं करी, मैं जस्ट इस कलर को, इस शेड को डिपॉजिट करी हूँ और डार्क करी हूँ जितना कि ये पैलेट के पैन में है। जस्ट मैं एक सेमी सर्कल बना रही हूँ अपनी क्रीज के ऊपर। और आज मैं तीन डिफरेंट पैलेट्स यूज़ करूँगी। इस पैलेट में से मैं ये दो शेड्स लूँगी। अब मैं ये वाला ले रही हूँ और इसको मैं एक फ्लफी ब्रश के साथ, जो पैरेट ग्रीन मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था उसके एजेस को मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़े से ब्लर हो जाए। अब मैं ये सेकेंड पैलेट यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन के, और ये डार्केस्ट ग्रीन शेड इसमें से मैं यूज़ करूँगी, और इस डार्क ग्रीन को मैं जस्ट अपने आई के कॉर्नर्स पर अप्लाई करूँगी एक छोटे ब्रश की हेल्प से। और मैं इसको, इस शेड को यहीं रखूँगी, मैं आगे नहीं ला रही, मुझे जस्ट अपने कॉर्नर्स को डार्क करना है, डेट्स वाई मैं इसको कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कट क्रीज। जो मेरे हाथ पे ऑलरेडी डर्माकोल का फाउंडेशन था, मैंने उसी से लेके उसी से मैंने अपनी कट क्रीज किया। कट क्रीज इसलिए किया क्योंकि ग्रीन कलर जो है, ग्रीन शेड्स मेरी आईलिड के ऊपर आ गए थे, तो मुझे उनको रिमूव करना था और मुझे वहाँ पे वाइट और सिल्वर शेड ऐड करना था। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई लाइटर शेड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले आप कट क्रीज करें, उसके बाद कोई शेड अप्लाई करें। मैंने इस तरह से कट क्रीज की, हाफ कट क्रीज, और अब मैं इसको फिंगर से डैप कर रही हूं ताकि किसी तरह की क्रीजिंग ना हो, वो सेट हो जाए। देन मैं अपनी न्यू फेवरेट पैलेट यूज़ कर रही हूं मॉर्फी की, जो मैंने अभी रिसेंटली बाई की। उसमें से ये दो शेड्स मैं लूँगी, वाइट और सिल्वर। और सबसे पहले मैं वाइट शेड लूँगी अपनी फिंगर पर और इसको अप्लाई कर दूँगी जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद ऊपर उसके मैंने वो जो सिल्वरी सा शेड था मैंने वो अप्लाई किया, और उससे काफ़ी अच्छी शाइन आ गई थी, जो कि वीडियो में आपको नहीं नज़र आ रही, बट काफ़ी अच्छी शाइन आ गई थी। अब मैं सेम उसी पैलेट से ये वाला शेड लूँगी, पैलेट ग्रीन, और इसको मैं जस्ट जो डार्केस्ट ग्रीन मैंने कॉर्नर पर लगाया था उसके जो एजेस हैं वाइट के बीच में, उसको मैं जस्ट ब्लर करूँगी। और एक लाइनर ले रही हूँ और थिन सा लाइनर मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरा आई मेकअप पूरा जो मैंने इतनी मेहनत किया वो नज़र आए, तो बहुत लाइट आई लाइनर मैंने अप्लाई किया। दो फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी, एले गर्ल का और फिट मी का, दोनों को मिक्स करके दोनों का एक एक ड्रॉप मैंने लिया है ताकि मेरा शेड बन जाए। इसको अच्छे से पहले मैं अपने हाथों से अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर को लेके उससे ब्लेंड करूँगी। और आप इसकी कवरेज देखें, मैंने कोई कलर करेक्शन, ना कोई ऑरेंज करेक्टर, ना कोई ग्रीन करेक्टर, कुछ भी अप्लाई नहीं किया मैंने। वो उस सूरत में अप्लाई करती हूँ जब कोई मेरे पिंपल निकला होता है या उसका निशान बहुत ज़्यादा गहरा होता है, दैट्स व्हाई।
इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ओवरऑल अपने फेस के ऊपर, और मैं अब ये मैक का सेटिंग स्प्रे करके इसको दोबारा ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी जो बेस है या मेरी फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये एज रिवाइंड कंसीलर मेबलिन का, ताकि मेरे जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वो थोड़े हाईलाइट हो जाएँ और लाइटेस्ट फाउंडेशन में। और ये एल्फ की कॉन्टोर स्टिक है और इसको मैं बहुत लाइट सा कॉन्टोर कर रही हूँ, बहुत छोटी छोटी मैंने लाइन्स आप देख रहे हैं ड्रॉ की हैं, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा कॉन्टोर करना है। और अब सबसे पहले मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, देन अपनी कॉन्टोर को। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनके डिटेल्स नाम वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। अब मैं अपनी कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। अब पाउडर लेके रेवोल्यूशन का इसको मैंने जो यहाँ पे कंसीलर लगाया है मैं उसको सेट कर दूँगी। मैं बेकिंग नहीं करी, जस्ट मैं उसको सेट कर रही हूँ ताकि नीचे क्रीजिंग ना हो, और ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। ये गोल्डन रोज़ की स्कल्पटिंग पैलेट है, इसमें से मैं ये जो इसमें कॉन्टोरिंग का शेड है इसको लेके मैं थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर से जो मैंने क्रीम कॉन्टोर की है मैं उसको सेट कर रही हूँ बहुत लाइट सा। और उसके बाद मैं अलग से लूँगी ब्लश जो कि मैं एल्फ का यूज़ कर रही हूँ, और एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से आपने छोटे ब्रश की हेल्प से अगर आपके पोर्स हैं या निशान है फेस पे तो शाइनिंग वाला जो ब्लश है वो आप अवॉइड करें, वरना आपके जो पोर्स या निशान है वो ज़्यादा विजिबल होंगे। इसी तरह से मैं हाईलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ, आगे तक नोस तक या बिल्कुल चीक्स तक हाईलाइटर ना अप्लाई किया करें, वरना आपके पोर्स और ज़्यादा विजिबल होंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, डार्केस्ट जो मैंने ग्रीन शेड अप्लाई किया था वही अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ, और इस डार्क ग्रीन को मैं लाइट जो मैंने पैरेट ग्रीन शेड लगाया था उसके साथ में सिंपली बाद में ब्लेंड कर दूँगी। मतलब जो शेड्स ऊपर लगाए थे वही शेड्स मैंने नीचे भी लगाए हैं। इस तरह से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि किसी तरह की भी हार्श लाइन बाकी ना रहे। और इस पैलेट में से मैं वही लाइटेस्ट ग्रीन शेड जो मैंने ऊपर लगाया है उसको लेके ब्रश पे मैं उस डार्क ग्रीन शेड को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम रेडी। और ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है 3-4 ग्रीन शेड्स मिला के अपनी पैलेट से, और उसके ऊपर में टू फेस्ट का लिप ग्लॉस है जो कि सिल्वरिश सा है, इसको मैं अप्लाई करूँ ताकि एक शाइन आ जाए। और इस लिपस्टिक को अप्लाई करने में मुझे बहुत टाइम लगा था इसलिए मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई की, और इसको मैंने पाउडर जो शेड्स हैं पैलेट से उनसे मैंने अप्लाई किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास ग्रीन लिपस्टिक नहीं थी। और मैंने लैशेज भी अप्लाई कर ली थी बट मैं मस्कारा भूल गई थी, मैं अब मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और वाटर लाइन पे अंदर मैंने वाइट पेंसिल अप्लाई की है क्योंकि मेरा जो हाफ कट क्रीज है वो मैंने वाइट रखी है, तो इसलिए मैंने वाटर लाइन भी वाइट रखी है ताकि मेरी जो आईज़ हैं वो ब्राइटन अप लगे। इसी तरह से मैं लोअर लैश लाइन पे भी अपने मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने ऊपर भी अपना मस्कारा अप्लाई कर लिया। एंड आई एम डन। अब मैं जल्दी से कर लूँगी चेंज और आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक है मेरा ये। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने बहुत बहुत मेहनत की है, मैं कंटिन्यूसली जितना घंटे मैंने खड़े होकर वीडियो बनाई है, मैं खड़े होकर वीडियो बनाई है मैंने, और बाद में मेरी कमर की बहुत हालत हो गई थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। और इसकी जो कम्प्लीट पिक्चर्स हैं, क्लोजअप्स हैं इसका आई मेकअप का, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लूँ अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे लुक्स मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी अपने YouTube के ऊपर और Instagram पे। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप बहुत सारा रखिएगा अपना ख्याल। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।